कल 12 सितंबर सभी डिपार्टमेंट के तरफ से कोऑर्डिनेशन के साथ जब ये प्रोसेशन बालापुर से हुसैन सागर लगभग 19 किलोमीटर का प्रोसेशन, इसमें सेक्टर वाइज हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स और सभी ब्रांच के ऑफिसर्स, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, सिटी सिक्योरिटी विंग, ये लोग सब लोग रहेंगे। हैदराबाद सिटी पिछले 5-6 सालों से, खास करके नया स्टेट आने के बाद, एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस डेस्टिनेशन ही नहीं है बल्कि साथ में कल्चरल कैपिटल भी है। अभी कल मुहर्रम प्रोसेशन बहुत सही तरीके से समय के मुताबिक कंप्लीट हुआ और उसके पहले 10 दिन पहले सिख रिलीजन के फाउंडर गुरु नानक देव जी, उनका 550 एनिवर्सरी, उसके लिए जो प्रकाश पूरब यात्रा हिंदुस्तान के सभी स्टेट से निकल के हैदराबाद होते हुए बीदर, नांदेड़ के लिए गए, उसका भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ। पिछले 10 दिनों से जो गणेश का तैयारी चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने जो प्लानिंग किए हैं और पब्लिक के कोऑपरेशन से हर कुछ बिल्कुल पीसफुल चल रहा है। आज मेन रूट जो हम लोग का बंदोबस्त का है, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, छतरी नाका, शाली बंडा, मुगलपुरा, चार मीनार, ये सब पुलिस स्टेशन होते हुए सैफाबाद और टैंक बंड में निमज्जनम के लिए इसकी सभी तैयारी और खास करके टेक्नोलॉजी के मदद से, सीसीटीवी कैमरा के मदद से सब कुछ बिल्कुल ठीक से चल रहा है। ऐसे समय में हम लोग टैंक बंड नेकलेस रोड के अलावा राजन्ना बौली, मीर आलम टैंक और हसमत में टैंक जो अलवर राजकोंडा में है, वहाँ आइडल्स का अरेंजमेंट इन कोऑर्डिनेशन विथ राजकोंडा हम लोग किए हैं। जहाँ भी जरूरत है वहाँ वज्रा व्हीकल्स, वाटर कैनन, गैस स्क्वाड, फायर इंजन, एम्बुलेंस, बोट्स और स्विमर्स, इसकी भी तैयारी सब जगह हो चुकी है। इस बार हम लोगों ने जियो टैगिंग के लिए लगभग 11,198 आइडल्स का जियो टैगिंग किया, जिससे कि चेकिंग के लिए 24 आवर्स हमारी टीम, सीनियर ऑफिसर्स कब गए, कब चेकिंग हुआ, उसका सबका पता चलता था। सीसीटीवी के लिए हम लोग इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर इंतजाम किए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हैदराबाद सिटी में अब हम लोगों के पास 3 लाख से ज़्यादा कैमरा है सर्वेलेंस के लिए, जिसमें कि 261 कैमरास केवल रूट में हम लोग लगाए हैं और इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन लिमिट में उनके नीड के हिसाब से कैमरा लगा है। टैंक बंड में खास करके निमज्जनम को देखते हुए 66 कैमरास लगे हैं। उसके अलावा कैमरा माउंटेड व्हीकल्स बालापुर, गणेश, चार मीनार, खैरताबाद और तेंदुपल्ली फ्लाईओवर के पास भी रहेंगे। इस बार हम लोगों ने गणेश आइडल ट्रैकिंग सिस्टम, जो बड़े इंपॉर्टेंट 20 गणेश आइडल हैं उनके मूवमेंट के लिए, ये हमारे आईटी कोर टीम ने डेवलप किया है, जिससे कि उनका एग्जैक्ट लोकेशन मिनट टू मिनट हम लोग को पता चलता रहे। शी टीम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेजर बंदोबस्त सिटी पुलिस में रहता है, इसके पहले प्रकाश पूरब यात्रा, मुहर्रम प्रोसेशन और अब पिछले 10 दिनों से गणेश का, हर दिन हमारी शी टीम 24 आवर्स अलर्टनेस के साथ काम करते हैं। ऐसे मौके पे आप लोगों से, मीडिया की तरफ से पब्लिक को एक अपील भी हम लोग कर रहे हैं कि कभी लास्ट 2-3 दिनों में एक शिकायत मिल रही है कि कुछ लोग शराब पीकर आते हैं प्रोसेशन में, तो ये रिलीजन के लिए भी ठीक नहीं है, धर्म के लिए भी ठीक नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी ठीक नहीं है। तो आप खास करके ऑर्गेनाइजर से हम लोग अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को प्रोसेशन में नहीं लाएं। और जितने भी इमर्शन है, निमज्जनम है, सब अगर 12 तारीख को हो जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ एक्सपर्ट, कुछ पंडित लोग कहते हैं कि 13 तारीख को पितृपक्ष है,
तो इसीलिए जितना जल्दी निमज्जनम हो वही अच्छा है। लास्टली मीडिया की तरफ से ऑर्गेनाइजर्स को एक और अपील है कि ऐसे मौके पे डीजे इज बैंड, डीजे को नहीं रखना है। कोई भी हेवी स्पीकर लगाने से कम्युनिकेशन नेटवर्क काम नहीं करता है, वायरलेस से काम नहीं हो सकता है, सेलफोन से आप सुनाई नहीं देता है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप डीजे और लाउड म्यूजिक इस प्रोसेशन में यूज नहीं करें। थैंक यू सो मच। विक्रम, अंदर की रिक्वेस्ट है, एमडी प्लीज ज्वाइन अस फॉर लंच, सिंपल लंच फॉर ऑल मीडिया एंड प्रेस पीपल। रेडी अंदर शी टीम चपल बगर मल्ली चपल शी टीम माना हैदराबाद सिटी पुलिस बंदोबस्त की का इंटीग्रल पार्ट होंगी। प्रति लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त लो शी टीम्स की डिप्लॉयमेंट इफेक्टिव यूज लास्ट 4-5 इयर्स नुंची चाला मंची का जरूरत होंगी। गणेश निमज्जनम लो कूड़ा अन्नी इंपॉर्टेंट प्लेस लो शी टीम डिप्लॉयमेंट विल बी देयर एंड दे विल बी वॉचिंग ऑल द डेवलपमेंट। थैंक यू।